हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकी और सबसे पहले वेलकम मेरे चैनल में दोस्तों आप सबका। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेशिया के वीजे के ऊपर, क्योंकि काफ़ी भाइयों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, तो सबका यही सवाल होता है भाई एक मलेशिया के वीजे के ऊपर वीडियो बना दो कि क्या अपडेट है मलेशिया की जो इमिग्रेशन है वीजे के ऊपर क्या अपडेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में उसी के बारे में बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो मलेशिया की इमिग्रेशन की अपडेट आई थी जो पिछले महीने आई थी, जो बिजनेस ट्रैवल वीज़ा ओपन किया था उसमें बिजनेस मैन के लिए ट्रैवल वीज़ा ओपन किया था, बिजनेस ट्रैवल वीज़ा ओपन किया था मलेशिया की इमिग्रेशन ने, जो सिर्फ बिजनेस मैन के लिए, नॉर्मली जो ट्रैवलर वेकेशन करने आते हैं अपने उनके लिए नहीं हो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले, जैसे कि मलेशिया ने 23 कंट्री को बैन किया था क्योंकि उनके अंदर काफ़ी हद तक कोरोना फैल चुका था, और इस टाइम जो इंडिया के हालात है इंडिया के अंदर भी काफ़ी कोरोना फैला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है, जब तक कोरोना वायरस पर पूरी तरह निपटा नहीं जा सकता तो मलेशिया की जो इमिग्रेशन मलेशिया की गवर्नमेंट है वीजे के कोई चांस नहीं खुलने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो 23 कंट्री को बैन किया हुआ है इन पे जब तक पूरी तरह कंट्रोल निकाल लिया जाता यहाँ पर खुलने की कोई चांस नहीं, वहाँ से कोई ट्रैवलर न्यू वर्कर नहीं आ सकता दोस्तों मलेशिया के अंदर। तो ये हालात है मलेशिया के अंदर। तो दोस्तों अगर मलेशिया के हालात खुल जाते हैं, कोरोना वायरस पे पूरी तरह कंट्रोल पा लिया जाता इन कंट्री और जो कंट्री मलेशिया ने बैन किया हुआ है, तो दोस्तों अगर आप मलेशिया के अंदर आते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएगा अगर आप मलेशिया के अंदर आते हैं आप कितनी सैलरी उठा सकते हैं। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग वर्क में आते हैं, फैक्ट्री वर्क में आते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन प्लांटेशन जो भी लेबर कैटेगरी में वर्क आ जाता है, तो आप उसमें आप कितनी सैलरी उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल से बताएगा, क्योंकि मेरे पास, मैं 5-6 साल से मलेशिया के अंदर हूँ तो मेरे पास फुल एक्सपीरियंस है सब जितने भी काम मलेशिया के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, फैक्ट्री वर्क में जाते हैं, तो आप वहाँ पर सैलरी 1700 से 1800 पा सकते हैं मलेशिया के जो रिंगिट है। अगर आप हार्ड वर्किंग है, अगर आप 2000 रिंगिट तक मलेशिया के उठा लेते हैं अगर आप हार्ड वर्किंग है, क्योंकि अगर मलेशिया के अंदर अगर आप ये सोचते आएंगे कि मैं कोई भी काम कर लेगा तो आप मलेशिया के अंदर रह सकते हैं, अगर अदरवाइज अगर आपने इंडिया में कोई भी हार्ड वर्क काम नहीं किया तो मलेशिया के अंदर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि मलेशिया के अंदर गर्मी है, तो जो लेबर कैटेगरी में आ जाते हैं काम उनमें कई कामों के अंदर गर्मी होती है, जैसे कि फैक्ट्रियों के अंदर होता है या फिर प्लांटेशन में या फिर कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पर गर्मी का काम होता है। तो आप अगर आप अपने हार्ड वर्क काम किया इंडिया के अंदर तो आप मलेशिया के अंदर काम कर सकते हैं और 1700 से 1800 2000 रिंगिट तक सैलरी उठा सकते हैं दोस्तों। तो 2000 रिंगिट इस टाइम मलेशिया के, जो अगर आप 1 रिंगिट का इंडिया के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 18 रिंगिट बनेगा, तो अगर आप 2000 को कन्वर्ट करेंगे तो 36,000 इंडियन रुपीज बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि काफ़ी जॉब मलेशिया के अंदर है जिनमें कंपनी हॉस्टल तो प्रोवाइड करती है लेकिन फूड प्रोवाइड नहीं करती, तो उसमें फूड आपका खुद का होगा। तो जैसे कि आप अगर महीने में 300 रिंगिट का खाना खा लेते हैं तो उसमें आप 1700 से 1800 आप सेव कर सकते हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो मलेशिया के अंदर आप 35 से 40 हज़ार से ऊपर इंडियन रुपीस नहीं कमा सकते दोस्तों मलेशिया के अंदर लेबर कैटेगरी के अंदर। जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मलेशिया के अंदर 35 से 40 हज़ार रुपये आप नहीं उठा सकते लेबर कैटेगरी के वर्क में, चाहे वो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग आ जाता, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन या फिर होटल लाइन, रेस्टोरेंट लाइन में। अगर आप हाई क्वालिफिकेशन है तो अगर आप ऑफिस वर्क में जाते हैं वहाँ पर आप 2500 से 3000 तक सैलरी उठा सकते हैं, लेकिन उसमें आप अच्छी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तो वहाँ पर आप ज़्यादा सैलरी उठा सकते हैं। उसमें आपको कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, आपको आपका इंटरव्यू होगा, उसमें कौन सा आपके पास डिप्लोमा है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन अगर आप लेबर कैटेगरी में आते हैं, आप जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग वर्क में जाते हैं, तो वहाँ पर आप सैलरी 1700 से 1800 रिंगिट मलेशिया के पा सकते हैं, मैक्सिमम 2000 रिंगिट तक कमा सकते हैं मलेशिया के अंदर। तो मलेशिया के अंदर जो नॉर्मल सैलरी है ये है, और जैसे कि आपको एजेंट बोलेंगे आप वहाँ मलेशिया जाएंगे 50 से 60 हज़ार इंडियन रुपीज़ कमाएंगे, तो एजेंट तो जैसे कि अपने फ़ायदा भी देखते हैं, एजेंट को क्या होता है कि 10-5 बंदों को एक साथ भेजना होता है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, तो इसलिए वो थोड़ी बहुत झूठ भी बोलते हैं, तो एजेंट के धोखे में मत आना। और जो मैंने आपको रियलिटी बताई है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया, मलेशिया के अंदर आप 35 से 40 हज़ार सैलरी उठा सकते हैं दोस्तों अगर आप मलेशिया के अंदर आते हैं, नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि जो कोरोना वायरस उस पर पूरी तरह निपट लिया जाता है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है अगर आप मलेशिया में वर्क वीजे पे आते हैं, तो यहाँ पर ये सैलरी है
जैसे कि नॉर्मली आप न्यू वर्कर आएंगे, न्यू वर्कर की सैलरी यहाँ पर 1.5 है, जो 1,005 है लर्निंग से स्टार्ट है। उसके बाद आप आपके वर्क पे डिपेंड करता है, अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप 2,000 तक ही कमा सकते हैं मेरी सैलरी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीजे के ऊपर कोई अपडेट आती है तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएगा, तो आपको अपडेट मिल जाएगी वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।